पूरे देश में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का लहर चल रहा है। तो इस बार भी पटना साहिब से हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी को हम लोग चुन रहे हैं। कहने का मतलब महंगाई तो कल भी था और आज भी है, ठीक है। महंगाई तो कभी कम होगा नहीं, चाहे जो भी सरकार यहाँ बैठेगा, यहाँ महंगाई कम नहीं होगा। रोजगार से ही पूरा देश चलता है और देश का निर्माण भी होता है, डेवलपमेंट होता है, और इसको हर क्षेत्र में देखना चाहिए। अंशुल अभिजीत कैसा? हम उन्हें कभी देखा नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी जी, खाली नाम सुना है, देखे नहीं। लेकिन जो हमारे सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनको ही वोट देंगे और उन्हें ही जिताना चाहेंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में, और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से लोग किसको चुनने का काम करेंगे इस बार, उन तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। एक तरफ जहां रविशंकर प्रसाद चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस से अंशुल अभिजीत कुशवाहा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पटना साहिब के लोग जो है किसके साथ है, किस मुद्दा पे वोट करेंगे। पटना साहिब से दो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस का और एक बीजेपी से। दोनों में बेहतर कौन है और दोनों के बारे में आप क्या जानते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ के जो सांसद रवि शंकर प्रसाद जी हैं, ये क्षेत्र के हैं, ठीक है ना, और इस क्षेत्र में जो है सबसे बढ़िया बेहतर काम यहाँ पर किया। अंशुल अभिजीत कैसा? हम उन्हें कभी देखा नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी जी, खाली नाम सुना है, देखे नहीं है। क्या लगता है, 5 साल में कुछ कार्य किए हैं रविशंकर प्रसाद जी? बहुत सा काम हुआ है क्षेत्र के लिए। क्या क्या हुआ? बहुत सा काम ऐसा ऐसा है, पानी है, बिजली है, ये सब चीज़ का, यहाँ पर रोड है, आज पुल पे आज हम लोग चल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो ये सब चीज़ सब सब ये तो वार्ड मेंबर भी करवा सकते हैं जी। वार्ड मेंबर को भी यही काम कराने में समय लगा और सांसद महोदय से भी यही उम्मीद करिएगा। यहाँ का विकास का कल्पना नहीं करते हैं? यहाँ तो विकास हो ही रहा है, जब से बीजेपी यहाँ आया है जब से विकास ही विकास है। आप बोल रहे हैं विकास है, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 5 साल में यहाँ पर रविशंकर प्रसाद एक बार भी नहीं आए। कैसे नहीं आया जी? बहुत बार आए ना। उनके कार्यकाल से आप लोग संतुष्ट जी? क्या लगता है, जिस समय बुलाएंगे जिस समय वो आ जाएंगे? इस बार पटना साहिब के लोग किसके साथ? उनके साथ हैं, रविशंकर प्रसाद। भाजपा में मोदी के नाम पे या तो कैंडिडेट के नाम पे? नहीं, कैंडिडेट के नाम से भी है और भाजपा के नाम से भी है। कांग्रेस प्रत्याशी दिए अंशुल अभिजीत के, उसमें कुछ ना कुछ खूबी होगा, एक बार उनको भी मौका देते 5 साल। कहने का मतलब यह है कि हम लोग उन्हें आज तक देखा ही नहीं है और पहचाना ही नहीं है, तो फिर क्या कहना है? सिर्फ नाम कांग्रेस को दें, RJD को दें? देखे तो मोदी जी को भी नहीं, लेकिन वोट तो उनके नाम पे दे। मोदी जी को तो हाल ही में देखे हैं, हमारे क्षेत्र में पटना में आए हैं, बगल में गुरुद्वारा है वहाँ आए हैं, हम लोग खुद वहाँ पे जाके उनको देखे हैं, ऐसा कैसे नहीं? जब कैंडिडेट काम करते तो प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ रोड शो करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्या वजह रहा कि रोड शो यहाँ पे किए? वोट तो इसलिए कर रहे हैं कि उनको 400 पार करना है इस बार। 400 पार जी करना। मुद्दा क्या रहे? मुद्दा बस विकास का मुद्दा है, 400 पार करना है। आप बोल रहे हैं मुद्दा विकास का रहेगा, युवा कह रहा है कि हमें बेरोजगार कर दिए हैं, महंगाई जो है चरम सीमा पे है, तो फिर किस मुद्दा के साथ जीत रहे हैं 400 पार? जैसे कहने का मतलब महंगाई तो कल भी था और आज भी है, ठीक है। महंगाई तो कभी कम होगा नहीं, चाहे जो भी सरकार यहाँ बैठेगा, यहाँ महंगाई कम नहीं होगा। क्या समझ गए? कभी भी कम नहीं हो सकता यहाँ महंगाई, चाहे आप बैठ जाए चाहे हम बैठे, कोई भी यहाँ नहीं होगा। महंगाई से मतलब नहीं है, भाजपा को 400 पार करना का मन बना लिया जी। चलिए, आप युवा हैं सर, पटना साहिब से किसको चुन रहे? देखिए, इस बार तो जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे देश में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का लहर चल रहा है। तो इस बार भी पटना साहिब से हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी को हम लोग चुन रहे हैं और पूर्ण बहुमत से उनकी उनको हम लोग लाने का काम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोट देने जाइएगा, मुद्दा क्या रहेगा आपके पास? देश का डेवलपमेंट। हाँ, रोजगार बड़ा मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रोजगार से ही पूरा देश चलता है और देश का निर्माण भी होता है, डेवलपमेंट होता है, और इसको हर क्षेत्र में देखना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, इंडस्ट्रियल में हो, हर चीज में से देखना चाहिए, और खास करके एजुकेशन के मामले में। अगर हमारा बेस मजबूत होगा, एजुकेशन मजबूत होगा, तो हमारा डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से होगा। किससे रोजगार का उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल प्रधानमंत्री मोदी का भी कार्यकाल रहा और कांग्रेस लगातार रोजगार के मुद्दे पे मोदी सरकार पे हमलावर है, तो आपको क्या लगता है? ये तो चलता ही रहता है, लेकिन जो हमारे सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनको ही वोट देंगे और उन्हें ही जिताना चाहेंगे।
विपक्ष लगातार हमलावर है कि युवाओं को बेरोजगार करने का काम जो है मोदी सरकार कर रही है। विपक्ष का तो काम ही होता है यही करना। आपको लगता है कि 10 साल में रोजगार मिला है? बिल्कुल मिला है, हर फील्ड में मिला है। और लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि एजुकेशन में खासकर ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन में ध्यान? हाँ। रविशंकर प्रसाद 5 साल यहाँ कार्यकाल पूरा कर लिए, उनका कार्यकाल क्या रहा यहाँ का, मतलब कार्यशैली क्या रहा, यहाँ का विकास क्या रहा? यहाँ का विकास जैसे कि रोड का निर्माण होना और भी नारी की सुरक्षा होना, ये सब में। साफ तौर पे इन लोगों का कहना था इस बार जो है हम वोट करेंगे विकास के नाम पे करेंगे और राष्ट्रवाद के नाम पे करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जो भारत का परचम दुनिया में लहरा है उससे हम जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और इस बार जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को हम प्रधानमंत्री रूप में देखना पसंद करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।